जेल से फरार हुए दो ऐसे कैदी जिनका प्लान आपको लोटपोट कर देगा। नंबर 1, विश्व युद्ध 2 के वक्त हिटलर की सेना उन सबको जेल में भर रही थी जो हिटलर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ऐसे ही एक दिन उन लोगों ने चार्ल्स नामक व्यक्ति को जेल में भरा। सांड से दिखने वाले चार्ल्स को यहाँ इंसान नहीं बहुत ही प्रसिद्ध वेट लिफ्टर थे। रात हुई और चार्ल्स ने पागल सांड की तरह जेल को तोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक इसने सारे जेल तोड़ दिया और रातों रात पूरा जेल ही खाली हो गया। नंबर 2, 1971 में जॉन नामक बिजनेसमैन को मेक्सिको के जेल में रखा गया था। खाली बैठा जॉन मेक्सिको का पूरा संविधान पढ़ गया। एक दिन रात के वक्त मेक्सिको के जनरल का हेलीकॉप्टर जेल में लैंड हुआ, लेकिन कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया कि वो दरअसल गलत जेल में लैंड हुए और हेलीकॉप्टर वापस उड़ गया। सुबह पता चला कि जॉन नामक कैदी जेल से भाग चुका है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया। जॉन ने बताया कि उसने कोई गुनाह तो किया ही नहीं है। मेक्सिको का एक कानून है कि अगर कोई कैदी भागते वक्त गार्ड्स कैदी या जेल को जरा भी नुकसान पहुंचाएगा तो वो गुनहगार है, लेकिन उसने कोई नुकसान तो किया ही नहीं है। इवन जो हेलीकॉप्टर जेल में लैंड हुआ था वो उसने पूरे लीगल तरीके से GST और FFA भर के खरीदा था। पायलट भी एकदम लीगल और एक्सपीरियंस था और इवन उस दिन के लिए उसने उस एरिया में हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस भी लिया था। मेक्सिको की कोर्ट उसे गुनहगार साबित नहीं कर पाई और आज ये बंदा एकदम लीगल तरीके से अमेरिका के टेक्सास में रहता है।